हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? घर में बैठे हुए एंजॉय कर रहे होंगे। ये मैं आज कुछ एक्सरसाइज आपके लिए लेके आया हूँ। ये ग्रेड 6, 7, 8 के लिए है। कुछ बच्चे हमारे अभी नए आएंगे इसमें और कुछ पुराने हैं। जो पुराने लोग हैं उन्हें हमने 3 ताल बताया था, 16 मात्रा जिसके 4 विभाग होते हैं, 1, 5, 13, 45 होती है और 9 पे खाली होती है। ये सारी चीजें आपके नोट आंसर बुक्स में लिखे हुए हैं, सारे आपको पता होगा। तो आइए घर में बैठ के कुछ एक्सरसाइज करते हैं। कोरोना अंकल ने हमें घर बैठा दिया है तो कोई बात नहीं, हम इंजॉय करेंगे। तो आइए 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए है कि हम 3 ताल सॉरी 3 ताल आप लोगों ने सीखा हुआ है उसी को हम रिविजन करेंगे और अपने फिंगर्स की पोजीशन को हम ठीक करेंगे। तो मैंने पहले एक्सरसाइज कैसे बताया था, ये पोजीशन होनी चाहिए हमारे फिंगर्स की, इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर, ये दोनों हमारे एक साथ ही मारना है ये, और मिडिल फिंगर को अप करना है, ये आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था। तो अभी क्या करना है, 1, 2, 3, 4। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम 6, 7, 8 को ज्वाइन कर रहे हैं, बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो 3 ताल का पता है कि इसको कैसे बजाना है। तो सबसे पहले न्यू स्टूडेंट्स के लिए 1, 2, 3 एंड 4, ये पोजीशन हो गया हमारी रिंग फिंगर जो है ये ब्लैक को टच करके रखती है, और इंडेक्स फिंगर के हम छोटे से पार्ट्स के हम बाहर किनारे में बजाते हैं, ठीक है। और हमारा जो मिडिल फिंगर है ये बिल्कुल सेंटर से उठा हुआ रहेगा, ये टच नहीं होना चाहिए, अगर हम इसको टच कर देते हैं तो हमारा ये साउंड बंद हो जाता है, इसलिए हमें इसको उठा के रखना पड़ता है, मिडिल फिंगर्स को ऊपर अप करके रखेंगे और आप देखिए साउंड आने लगे। तो ये करना है पहली एक्सरसाइज। सेकंड इसी में क्या करना है कि हम बाएं को लेना है साथ में, तो बाएं में मेरा क्या है, जो ये पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हमको ब्लैक से टच करके रखना है और यू बना लेना है, और नेल्स के जो नीचे वाले पार्ट है इनको हमें क्या करना है, अंदर थ्रो करना है अपने साइड में, अपने साइड थ्रू करना है, और ये हाथ हटाना नहीं है, यहाँ से हाथ हटाना नहीं, ब्लैक को टच करके रखना है, ठीक है। तो आइए हम दोनों मिला के करते हैं एक साथ, कैसे, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। ये तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए हुआ जो 6, 7, 8 क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, बट जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, 3 ताल कंप्लीट, उसको था, दुगुन और चौगुन, ये 3 लय मैंने आपको बताए थे, इन 3 लय में प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है मैं बता देता हूँ आपको, पूरे 3 ताल, धा धिन धिन धा, धा धिन 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 धा, धा धिन धिन एंड धा, डबल करें, दुगुन चौगुन, और ये भी पता आपको कि ठा जब हम बजाएंगे तो 1 बार, दुगुन बजाएंगे तो 2 बार, और चौगुन बजाएंगे तो हम 4 बार। तो क्यों बोर होना, घर में बैठे हुए अपना एंजॉय कीजिए, आपके पास इंस्ट्रूमेंट तबला रखा होगा, और जिनके पास तबला नहीं है, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं बताता हूँ ना, आपके घर में कोई भी टेबल है उस टेबल पे क्या करना है आपको, तबले जैसा सर्कल बनाना है, स्मॉल एक थोड़ा सा बिग, और जैसे जैसे इसके पार्ट्स हैं ऐसे बना लेना है, और कुछ ऐसा लगा देना है जिसपे आपके हाथ में चोट ना लगे, और उसे क्या करना है, हैंड पोजीशन लेके 1, 2, 3 ऐसे प्रैक्टिस करना है। अगर ये करते रहेंगे तो स्कूल ओपन होते ही आप जब हमारे क्लास में आएंगे तो आते ही तबले में फटाफट बजाना स्टार्ट कर देंगे, तो ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट्स भी समझ ले, 3 ताल हम ऐसे करेंगे 1, 2, 3 की एक्सरसाइज के बाद। तो आप न्यू स्टूडेंट्स 1, 2, 3 का प्रैक्टिस करें, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो लोग 3 ताल कठा दुगुन और चौगुन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर मिलते हैं कोई एक नए एक्सरसाइज के साथ, एंजॉय कीजिए, बाय।